Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, I am suffering from cold, so meri awaaz jo hai thodi ajeeb se nikal rahi hai, but kuch nahi, ummeed karta hu ki aapko meri awaaz achhi tarah se samajh mein aa jayegi. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी जो सेंटेंस होते हैं, कभी कभी पूर्व निर्धारित योजना वाले सेंटेंसेस जो दिखते तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन बनाते उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं ये इंग्लिश वीडियो. हे बेबी, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अंजलि. डू यू नो डॉक्टर घोष हाउस? आई डोंट नो, बट कम विथ मी. कम. ओके. Good evening, Ji. Good evening. What's the matter with you? I have lost the way. I am looking for the house for Dr. Ghosh. Do you know? Do you hail from Madras? Yes. How do you know? Well, your speaking English with a Madrasi accent gives the clue. Haven't you been here before? No. I have come here for the first time. Well, Dr. Ghosh lives over there. Turn to the left and then keep straight on his house. Is off the main road. Okay. Thank you very much. Welcome. Friends, आप मेरे वीडियो देखकर इंग्लिश सीख रहे हो ना? आप रोज का वीडियो हमारे देखते हो ना? आपको समझ में आ रहा है ना? फ्रेंड्स, ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज इसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन टेक. क्वेश्चन टेक्स आप लोग को पता होगा या सुना होगा, नहीं पता होगा तो कि क्वेश्चन टेक्स क्या होते हैं. क्वेश्चन टेक्स, तुम चाय पीते हो ना? तुम चाय पियोगे ना? तुम मेरे साथ आ रहे हो ना? वे लोग चोर है ना? मिस इस तरह से ना करके बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इस तरह से, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये आज हम पढ़ेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन टेक्स, इसका बनाने का दो नियम होता है, एनोमेलस प्लस फिनिट प्लस सब्जेक्ट. दूसरा होता है एनोमेलस प्लस फिनिट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट. ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि दो तरह के जो फॉर्मूले होते हैं ये बनाने के, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव, उसका जो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाएंगे तो उसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव, तो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे. सेम, अगर पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बनेगा, मतलब इस फॉर्मूले से. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव बनेगा, मीन्स इस फॉर्मूले से. जैसे तुम चाय पीते हो ना, तुम चाय पीते हो ना. अब यहां पर पीते हो ना लगा देने से आप घबरा मत जाना कि अरे यार पीते हो ना, इसको क्या कैसे बोलेंगे. आप यहां तक बनाओ, तुम चाय पीते हो, यू टेक टी. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका ना के लिए हम क्या लिखेंगे, अब ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस, यू टेक टी. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा डोंट यू, मीन्स ये, और सब्जेक्ट. ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव में लेते हैं, तुम
चाय नहीं पीते हो ना? तुम चाय नहीं पीते हो ना? तो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टेक्स पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे यहां से आप बना लो, यू तुम चाय नहीं पीते हो, इसका तो आपको पता ही होगा, यू डोंट टेक टी। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट्स में यही ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट हम लिखेंगे। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सिर्फ फिनिटिव और सब्जेक्ट, ठीक है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डू यू, सब्जेक्ट डू यू आ गया यहाँ पर। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है। तुम चाय नहीं पीते हो ना, दिस इज नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर डू यू लगा। और तुम चाय पीते हो ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम चाय पीते हो ना, तो यू टेक टी, डोंट यू, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मैं इसी तरह के, ये मैंने आपको ये जो मूल चीज़ था वो मैंने बता दिया आपको, जो मेन चीज़ था वो आपको बता दिया है। अब हम इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस लिखेंगे और उसको मेक करके बनाते हुए समझाएंगे कि किस तरह के, कौन से टेंस के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और कौन से सेंटेंस के पैटर्न्स किस तरह के क्वेश्चन टॉक्स में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस लिख दिया है, अब एक एक करके हम बनाते हुए समझते हैं। आई एम राइट, आपको मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि आई के लिए जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब का, तो उसमें हम एम नहीं लगाते, आर लगाते हैं, अगर आर नॉट रहता है तो। जैसे आई एम राइट, आरंट आई, मैं सही हूँ ना, मैं सही हूँ ना। आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ ना। तो इसमें ये नेगेटिव है, नॉट लगा इसमें, इसलिए यहाँ पर इधर नॉट नहीं लगेगा, तो इसमें एम आई हो जाएगा, एम आई। यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो फिर आर लिखेंगे हम और इसमें नॉट लगेगा। अरंट यू, जो भी इतना ही समझना है, जो भी पॉजिटिव होगा उसका हम नेगेटिव में इसका क्वेश्चन तक लिखेंगे और जो भी नेगेटिव होगा उसका हम पॉजिटिव में क्वेश्चन तक लिखेंगे। सी हैज डन दिस, हैजंट शी, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, इसलिए यहाँ पर इज इट, इज इट। वी हैव टू गो, हमें वहाँ जाना है, इसका हम क्वेश्चन तो हमें वहाँ जाना है ना, तो हैवंट वी, दे हैड गोन देयर, इसमें सब्जेक्ट दे और सब हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैडंट दे। ही डजंट नो इंग्लिश, इसमें नेगेटिव आ गया ये, तो इसका हम पॉजिटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा डज, डज ही। आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? सिंपल है, जो पॉजिटिव में सेंटेंस होगा उसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नेगेटिव यानी नोट डालेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जो भी सेंटेंस नेगेटिव में होगा उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, उसमें नॉट नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स? नथिंग इज परफेक्ट, इज इट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है ना, इज इट, ठीक है फ्रेंड्स? हम कुछ और भी सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे इंपरेटिव के सेंटेंस हुए या लेट वाला सेंटेंस हुए, वो सारे सेंटेंस हम बनाते हुए सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, उसको समझना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं जो इंपरेटिव के हैं और लेट से संबंधित है, तो इसको हम बनाते हुए समझते हैं। हेल्प दैट पुअर, सॉरी, हेल्प दैट पर्सन, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि इसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम किसको बोलते हैं हेल्प दैट पर्सन? हेल्प दैट पर्सन हम किसी भी सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं, सामने जो होगा उसी को हम बोलेंगे, यानी कि उसमें यू छुपा होता है, तो यू के हिसाब से हम सब्जेक्ट रखेंगे और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब उसे हम फ्यूचर का रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? फ्यूचर, जैसे हेल्प दैट पर्सन, उस पर्सन की मदद करो, तो करोगे ना ऐसा, हेल्प दैट पर्सन। हेल्प दैट पर्सन का मतलब होता है उस आदमी की मदद करो, उस आदमी की मदद करो से मतलब क्या निकलता है कि हम किसी सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, जो मेरे सामने खड़ा है वो सेकंड पर्सन हुआ, कि उस आदमी की मदद करो, तो इसमें यू यानी कि जो सामने खड़ा है हम किसी से बात कर रहे हैं
तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है तो यू होता है, और उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। तो विल का अगर हम यहाँ पर नोट लगाएंगे शॉर्ट फॉर्म तो ओंट हो जाएगा, ओंट यू ओपन द गेट, ओंट यू। यहाँ पर फ्रेंड्स हम विल यू भी हम बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग, बोला भी जाता है कि ओपन द डोर विल यू, ओपन द गेट विल यू, या वॉन्ट वी भी बोलेंगे, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू भी बोल सकते हैं, सही है। डोंट प्लग द फ्लावर विल यू, ये नेगेटिव है इसलिए हम यहाँ पर विल यू लिखते हैं, ठीक है। शट अप, वॉन्ट यू, या कांट यू भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, कांट यू भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डू कम टुमारो विल, वॉन्ट यू। डोंट मेक अ नॉइस विल यू। लेट्स प्ले टुगेदर, यहां पर अब लेट्स वाला आ गया, लेट्स प्ले टुगेदर का मतलब होता है चलो हम खेलते हैं, मतलब चलो कुछ खेलते हैं साथ में, चलो साथ में खेलते हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की एक साथ कुछ करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंपली मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर वी लगेगा, ठीक है। तो शैल वी, लेट्स हेल्प हिम, तो शैल वी, लेट हिम डू दैट, यहाँ पर अब एक साथ मिलकर काम करने वाली बात नहीं हुई है, लेट लेट हिम डू दैट, वो उसको करने दो, उसे वो करने दो, मतलब हम किससे बोल रहे हैं, किसी हमारे सामने जो खड़ा है सेकंड पर्सन है उसको बोल रहे हैं कि उसको वो करने दो, इंपेरेटिव की तरह ही हुआ, इसलिए हम इसका क्वेश्चन टैग भी इंपेरेटिव की तरह ही बनाएंगे। तो विल यू, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है, आपको यही सिर्फ समझना है, बस ये थोड़ा आपको देखना था कि इंपेरेटिव का और लेट वाला कैसे बनाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, एक बार आप एक नज़र मार लो अच्छी तरह से और देख लो, एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। अब बोलते टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि बोलते टाइम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, बोलते टाइम में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात समझना आपको सिर्फ कि जब भी सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग्स बनाते वक्त उसमें नोट लगाते हैं, नेगेटिव में बनाते हैं, और जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हम पॉजिटिव वे में बनाते हैं, ठीक है। जैसे सीता इज गोइंग, सीता जा रही है, इसको अगर हम क्वेश्चन टैग्स में बोलेंगे कि सीता जा रही है ना, इज शी, ठीक है। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया, डिडंट आई, ठीक है। आई एट फूड, दिस इज द पास्ट इनफिनिटिव टेंस, इसलिए इसका हम नेगेटिव में जब बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग्स, तो नेगेटिव जब भी इसका हम बनाते हैं पास्ट इनफिनिटिव टेंस का, उसमें डिड लगा के बनाते हैं, इसलिए डिडंट आई लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ही ब्रोक माई पेन, उसने मेरी पेन तोड़ दी, तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग में बोलेंगे तो उसने मेरी पेन तोड़ी ना, तो डिड ही या डिडंट, हाँ ही ब्रोक माई पेन, तो डिडंट ही, उसने मेरी पेन तोड़ी ना, ही डिड नॉट ब्रेक माई पेन, डिड ही। जब भी पर सिंपल है, जब भी जो सेंटेंस है, जो मूल सेंटेंस है, उसमें अगर वो पॉजिटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग्स में नेगेटिव वे में बनाते हैं, और जब मेन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो हम क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव वे में बनाते हैं, बस इतना ही समझना है इसमें। क्वेश्चन टैग्स बहुत ईजी है, आप एक बार समझ जाओगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।